बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेयर एवर यू आर, कीप स्माइलिंग एंड कीप मूविंग। दिस इज़ नईम मुश्ताक हेयर, और टुडे वी आर वेरी ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड टू हैव डॉक्टर तारिक मिन्नौरी साहब, हु इज़ द चेयरमैन HEC हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो आज का मुख्तसर सा जो इनके साथ मुलाकात में मैंने सोचा इनका एक इंटरव्यू कर लें, और ही हैज़ बिन वेरी काइंड, बड़ी मेहरबानी इन्होंने अपने इंतहाई कीमती मसरूफ़ स्केजुल में से टाइम निकाला, और अभी मैं इनके घर पे बैठा हूँ, चाय भी है, बिस्किट भी है, केक भी है, और साथ इनसे थोड़ी सी गपशप करेंगे। फॉर्मेट सर हमारा ये है कि कन्वर्सेशनल स्टाइल है और अपनाइत के अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, ठीक। तो ये कोई कमर्शियल या पॉलिटिकल इंटरव्यू नहीं होता, जस्ट ये है कि आपकी विजडम से कुछ विजडम लेके, तो जो मेरे देखने वाले हैं व्यूवर्स उनसे हम आपकी विजडम शेयर करेंगे, कुछ मैं भी सीखूँगा और हमारी गुफ्तगू से दोस्त अहबाब भी सीख लेंगे। तो डॉक्टर तारिक मिन्नौरी साहब से मुझे क़िबला अयाज़ ने कनेक्ट करवाया, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। और आपसे मुलाकात लेने के पीछे जो एक ख़ास वजह थी, आपका एक अभी रिसेंटली आर्टिकल छपा है द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट के हवाले से, और चूँकि आप जिस मनसब पर भी फायज़ हैं, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हवाले से सबसे मुनासिब जो शख्सियत है वो आप ही हैं, कि इस हवाले से आपका विज़न क्या है, क्या मामलात हैं। तो पहले तो जो मेरे जहन में जो सवाल आया था कि तारिक बिन्नौरी नाम आपने बताया, फरमाया बिन्नौरी नाम के पीछे जो निस्बत क्या है? ये थोड़ा सा हमें दूर ले जाएगा। हमारे जद अमजद जो हैं वो हज़रत आदम बनूरी, ये मुजद्दद अल्फ़सानी के खलीफा अव्वल थे माशाल्लाह, तो और बहुत फिर उनकी फॉलोइंग थी ख़ास तौर पे ये फ्रंटियर में और अफ़गानिस्तान में, तो और अभी भी मेरे वाले साहब के जो फर्स्ट कज़िन थे मौलाना यूसुफ बनूरी, उनका बनूरी टाउन का मदरसा जो है वो अभी तक हुआ है। हमारी हर जनरेशन में स्कॉलर्स पैदा होते रहे माशाल्लाह, तो उनसे वो असल में उनका नाम बनूरी जो है वो वहीं पे सरहंद शरीफ का करीबी एक कस्बा है बनूर, तो चूँकि उनका तकिया वहाँ पे था तो उससे फिर उनकी फैमिली जो है वो बनूरी के नाम से मशहूर। अच्छा माशा, मेरे जहन में भी वही था क्योंकि उनकी मेरे पास काफ़ी किताबें हैं यूसुफ बनूरी रहमतुल्लाह ताला की, तो मैं सोच रहा था कि आज सुबह मैंने इब्रार अहमद शाही साहब हैं, चेयरमैन हैं और फाउंडर हैं इब्नुल अरबी फाउंडेशन पाकिस्तान के, तो उनसे आज सुबह की मुलाकात में इब्नुल अरबी डिस्कस हुआ तो आज दूसरा मुजद्दद अल-अफ़सानी की सोबत में हाजिर हो गया आपके वसीले से तो हमारी सारी जिंदगी बुजुर्गों के जेर साए गुजरती रही है। हमारी भी, लेकिन ऑब्वियसली वो एक ट्रेडिशन चलती आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। वो थोड़ी बहुत तो फैमिली की वजह से हमें मिल जाती है, लेकिन जो स्कॉलर्स हैं वो स्कॉलर्स हैं, तो उस शुमार में और कम अज़ कम उस टाइप के शुमार में हम नहीं आते, मगर हमारी हर जनरेशन में, मगर ये निस्बत का ही फैज़ है कि हर जनरेशन में कोई ना कोई आलिम दीन पैदा हो के इस्लाम की खिदमत और दिफा का हक का अंजाम देता है। सर ये बताएं, साथ साथ आप कहवा भी पिए, मैं चाय भी पीता हूँ, जो आर्टिकल मैंने आपका अभी रिसेंटली देखा था क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हवाले से, तो अभी आप इस पोजिशन पर भी हैं, तो हाउ डू यू सी जनरल परसेप्शन कि पाकिस्तान का निज़ाम तालीम जो है उसमें वो कहाँ पे खड़े हैं हम, और आगे फ्यूचर के जो चैलेंजेस हैं उनको मीट विद करने के लिए, क्योंकि जब CPAC बनेगा इकोनॉमिकल ग्रोथ भी होगी, तो लोगों की कॉन्सेप्ट भी अपग्रेड करने वाले हैं, और लोगों का जो वर्ल्ड विजन है पाकिस्तानियों का ख़ास तौर पर वो भी अपग्रेड करने वाला है, तो आप उस हवाले से क्या फरमाएँगे? इस वक्त तो मुल्क में काफ़ी इस चीज़ पे तश्वीश है कि तालीम के मयार में बहुत ज़्यादा इन्हतात आया पिछले 20 साल में, और उसकी काफ़ी वजह हमारी अपनी पॉलिसीज़ और अपनी अप्रोचेस थी जो कि एक किस्म के शॉर्ट रन और गलत टारगेट्स के पीछे भाग रही थी, और असल टारगेट जो है वो क्वालिटी को भूल गए थे। उसके साथ मैं एक दूसरी चीज़ भी यानी बिलवास्ता ये कह दूं कि हमारे मुल्क का फ्यूचर जो है, ये ठीक है इन्वेस्टमेंट CPAC ये सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन बग़ैर तालीम के इनका कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे, वो इसलिए कि आप इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं जब तक कि हम लोग उसको सही तौर से मैनेज करें, समझें, उसको आगे बढ़ाएं,
वो चीज़ जो है वो इंसानों के हाथ में होती है, उनके दिमाग में होती है, और जब हम तालीम आम करते हैं तो फिर उस तालीम के थ्रू वो कॉमन होती है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट से ना आज तक दुनिया में कभी हुआ है और ना दुनिया में होगा कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट से काम बन जाए। ये कभी कभी हो सकता है कि बहुत आपको एक दौलत मिल जाए, लेकिन वो जब तक है तब तक है, जब वो ख़त्म हो जाएगी तो जब तक आपके जहन में कुछ ना हो तो वो नहीं हो सकता। सो असल चीज़ जो है इस वक्त हमारा फ्यूचर जो डिपेंड करता है वो तालीम पे डिपेंड करता है। तालीम पे डिपेंड। तालीम में सर ये बताइए आप मुझे कि जब हम तालीम की बात करते हैं तो फिर इसमें वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। आपने जब क्वालिटी की बात की थी तो व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी? देखें, क्वालिटी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है क्वालिटी में। हम तालीम को जब देखते हैं तो उसके तो यानी उसको दो तरीके से देखना चाहिए। एक तो ये है कि हमारी डेफिनेशन क्वालिटी की ये है कि जो हमारे वो हैं शागिर्द हैं उनको उनकी ज़िंदगी में हम कामयाब बनाएं। अगर ये एक ब्रॉड फिक्रा हम ले लें तो इसमें कई किस्म की कामयाबियां लोगों ने हासिल करनी होती है। उसमें ये भी कामयाबी है कि आप अगर आपने जॉब करना है या आपने बिज़नेस करनी है तो उसमें आप कामयाब हो जाएं, तो उसके लिए आपको स्किल्स मिल जाएं जिनके तहत आप कर सकें। लेकिन सिर्फ ये नहीं होता, ये भी होता है कि हम जब मुआशरा कामयाब होगा तो फिर हमारे शागिर्द भी कामयाब होंगे। अगर लोग आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्स्टेंटली लड़ते झगड़ते रहें तो वो मुआशरा कामयाब नहीं हो सकता। तो एक यू नो टॉलरेंस, एक दूसरे के साथ मिल के काम करना, ये चीज़ें भी हम सीखते हैं। तो तालीम के ये कई मकासद शामिल होते हैं कि गुड सिटीजन्स, गुड बिजनेस लीडर्स, गुड टेक्नीशियंस, गुड वर्कर्स, यू नो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो इस वक्त जो है आप अगर हमारे तालीमी निज़ाम को देखें तो उस वो हर एरिया में उसमें डेफिशिएंसीज हैं। तो जिस टाइप के यू नो लोगों के पास वो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए वो कैपेबिलिटीज हम नहीं उनको फराहम करते, तो फिर वो जाके खुद से लोग कोशिश करते हैं, कुछ अपने से अपने तौर से सीख जाते हैं, कुछ उसके माहौल के बावजूद जो है वो अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली तो ये ना कि माहौल ऐसा दिया जाए, उनको स्किल्स ऐसे दिए जाएँ, उनको तालीम ऐसी दी जाए कि वो उनके लिए हम रास्ता आसान करें बजाय इसके कि रास्ता मुश्किल करें। इस वक्त हमने अपने शागिर्दों के लिए रास्ता मुश्किल कर दिया, एंड दैट इज़ व्हाट आई मीन पार्टली बाई क्वालिटी। लेकिन मैं दूसरी चीज़ उसके साथ ये कहना चाहता हूँ कि क्वालिटी एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। तो इसमें वो जब भी हम उसको डिफ़ाइन करते हैं, और ख़ास तौर पे अगर हम उसको क्वांटिटेटिव नंबरों के ज़रिए डिफ़ाइन करें तो वो फिर उसकी जो असल स्पिरिट है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि लोग फिर वो नंबरों के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं और जो उसका असल जो मकसद है वो चीज़ फिर भूल जाते हैं। तो इसलिए ये हम ये कहते हैं कि इट इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ कमिटमेंट। ये क्वालिटी इज़ नॉट डेस्टिनेशन, ये मंजिल नहीं है कि आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो बस फिर आप सुख चैन से ज़िंदगी गुजारेंगे। नो, इट्स ए कमिटमेंट कि इस कमिटमेंट के थ्रू कॉन्स्टेंटली आप क्वालिटी को परसू करते रहें। तो हमारे तालीमी निज़ाम में भी होना चाहिए कि वो कमिटमेंट जो है वो चीज़ पैदा की जाए कि लोग उसको कॉन्स्टेंटली सोचें इसको मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ। सो ये चीज़ें और ये सारी चीज़ें इस वक्त नापैद हैं। तो इसमें सर इसमें जैसे कि एक तो ये हो गया ना क्वालिटी का, बड़ा अच्छा आपने जुमला बोला कि ये बड़ा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का है कि ये कमिटमेंट का नाम है, डेस्टिनेशन का नाम नहीं है। इसी तरह हमारे यहाँ जो एजुकेशन है, हमारे यहाँ मेजॉरिटी का जो देखते हैं हम रुझान कि हमारा ज़्यादातर, ये मेरा अपना ज़ाती परसेप्शन है कि हम लेबर प्रोड्यूस कर रहे हैं और स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन है कि ये कोर्स करने के बाद कितने पैसों की नौकरी मिल जाएगी। हमारा एंटायर फोकस ही सर्वाइवल बेस्ड एजुकेशन हो गया। जब हम दुनिया में जाएंगे या दुनिया से कनेक्ट होंगे थ्रू इकोनॉमिक्स या सीपैक के ज़रिए, तो उस वक़्त हमारा जो कॉन्सेप्ट वर्ल्ड व्यू होगा, जो एक लार्ज पिक्चर है जो स्किल में छोटा सा जूस बन जाता है ना, बट वो वर्ल्ड व्यू हम कैसे डेवलप करें अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, नंबर एक तो थ्रू करिकुलम, और फिर ऐसे टीचर्स भी हों जो स्किल से ध्यान हटा के एक वर्ल्ड व्यू की तरफ, बेहतर आप कह लीजिए ग्लोबल सिटीज़न हम ऐसे प्रोवाइड कर सकें जो बाकी नेशन के साथ जब कनेक्ट करें तो वो क्लैश में ना हो बल्कि मर्ज
माइंडसेट के अंदर हो, वो कैसे मुमकिन होगा? देखिए, इसमें हमेशा अगर वही पहला वाला फिक्रा ले लेंगे, देखिए क्वालिटी में ये नहीं है कि जी आप एक डेस्टिनेशन डिफाइन कर लें कि जी ये रिज़ल्ट हम प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे ग्रेजुएट्स होंगे, ऐसे टीचर्स होंगे, ऐसे वो होगा, और ये मतलब एक रोज़ में हो जाएगा, ये 10 रोज़ में हो जाएगा। आपने ये देखना है कि हम जा इस तरफ रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अगर आप इस तरफ जाना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो सिस्टम खुद से अपने आप को एक्सेलरेट करना शुरू हो जाता है। अगर आप इस चीज़ को भूल जाते हैं तो आप फिर किसी दूसरे रास्ते में रवाना हो जाते हैं। तो इस वक्त हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन को हमने तवज्जो देनी छोड़ दी है। अब एक बुनियादी चीज़ अब ये भी है कि देखें, इस वक्त 21वीं सदी में मसला ये नहीं है कि आपके पास कोई फैक्ट्स हो, ठीक है ना, मतलब है कि आपको पता हो कि भाई ये फलां चीज़ कहाँ है या फलां चीज़ कैसे, यू नो, सारी इंफॉर्मेशन इस वक्त गूगल पे, इंटरनेट पे, किताबों में, हर जगह मौजूद है। मसला ये है कि आप को हम वो कैपेबिलिटी दे दें कि आप वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें, वो फ्रेमवर्क दे दें जिससे आपका वो इंफॉर्मेशन को आप मैनेज कर सकें, और वो क्यूरियोसिटी दे दें कि आप वो इंफॉर्मेशन के पीछे जाएं। तो अगर हमारा तालीमी निज़ाम ये तीन चीज़ें, एक 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 वो फ्रेमवर्क है, एक वो क्यूरियोसिटी है, और एक वो जो स्किल्स हैं या कॉम्पिटेंसी, इन चीज़ों में बहुत डिफिशेंट है। ये आपने फरमाया कि जी वो इस वक्त हम स्किल्स दे रहे हैं, हम स्किल्स भी नहीं दे रहे हैं। आप किसी एरिया में चले जाएं, आप देखेंगे कि स्किल्स यहाँ पे लोगों के बहुत डिफिशेंट है, ठीक है। अब इस्लामाबाद में हम रहते हैं, घरों में बहुत सिंपल स्किल्स, मतलब इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, सब जगह आप देखते हैं कि उनकी क्वालिटी जो है वो उस मैार की नहीं है। और फिर आप जब जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, अब पीएचडी हमने 2002 में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए, लेकिन शुरू में एक प्लेजरिज्म का एक वो आ गया। नाउ द थिंग इज़ के पीएचडी का जो की जो तालीम है उसमें प्लेजरिज्म के ख़िलाफ़ एक इम्यूनिटी डेवलप करना उसका हिस्सा है। हमने वो नहीं डेवलप की, उसका नतीजा ये हुआ कि वो अब यानी एक वो वबा फैल गई, उसको बड़ी मुश्किल से काबू में लाने की कोशिश करते रहे। फिर यह है कि पीएचडी में होता है कि आपने कॉन्स्टेंटली सोचना होता है कि हमारे प्रोफेशन कहाँ जा रहा है, आप कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहते हैं, सोचते रहते हैं उन चीज़ों के बाद, वो स्किल्स हमने नहीं पैदा किए। तो फिर तो हमने बस एक कागज़ का टुकड़ा लोगों को दे दिया, हाँ, बिल्कुल कि ये डिग्री है, हाँ, और जो उसके पीछे इल्म है, जो उसके पीछे स्किल्स हैं, जो क्यूरियोसिटी है, जो कमिटमेंट है, जो वैल्यूज़ हैं, जो प्रोफेशनलिज्म है, वो चीज़ उनको नहीं दी। तो देन आई मीन इन बहुत सिंपल पैराए में ये कहा जा सकता है कि हमने अपनी डिग्री की वैल्यू को वो कर दिया, डिग्रेड कर दिया, ठीक है, डिग्री की वैल्यू हमने कम कर दी, कम कर दिया। तो जब आप डिग्री की वैल्यू कम करते हैं तो फिर वो फिर तो डिग्री का फायदा कुछ नहीं रहता, तो उससे तो बेहतर ये है कि बगैर डिग्री के लोग आ जाएं आपके पास। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें से ये जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ का एक नेटवर्क भी है, तो इसमें यूनिवर्सिटीज़ क्या रोल प्ले कर रही हैं, ये जो आपने आइडेंटिफाई की हैं मिजाज की चीज़ें, कॉम्पिटेंसीज हैं, और दूसरा देखें इस वक्त ये चीज़ होती है कि यूनिवर्सिटीज़ में ये किस्म के कोई कॉन्शियसली चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उनके कोर्सेज होते हैं, लेकिन कई चीज़ें अनकॉन्शियसली पढ़ाई जाती हैं। अनकॉन्शियसली ऐसे पढ़ाई जाती हैं कि जी आपको जैसे प्रोफेशनलिज्म है जी, उसमें कभी कभार कोई लोग कोर्सेज दे देते हैं, लेकिन बुनियादी चीज़ पे वो आप एक उस एनवायरनमेंट से सीखते हैं। वही ये है कि आई मीन एक दफ़ा आपसे कह दिया कि जी चीटिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप बार बार देखते हैं लोग क्या यू नो वो लोग कैसे आपको एवेल्यूएट करते हैं, यू नो बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, उससे आप में ये प्रोफेशनलिज्म आती है। उसमें और भी कई तरीके चीज़ें होती है, कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ मिलके काम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक स्किल्स हैं जो कि यानी एक लिहाज से ऑटोमेटिकली डेवलप हमारे यहाँ चूंकि नहीं हो रही थी, तो हमने अब अपने प्रोग्राम्स में इन चीज़ों को शामिल करने का इरादा किया कि ये यूनिवर्सिटीज़ ख़ास तौर पे फोकस करें कि ये चीज़ें जा रही हैं लोगों के पास के हर चीज़ कोर्स के ज़रिए नहीं होती, कुछ कोई वहाँ का यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट जो है माहौल होता है, आप और फिर ये भी होता है कि आप अपने प्रोफेसर्स को देखते हैं,
अगर प्रोफेसर्स खुद चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आपका एक प्रोफेसर है वो हर स्टूडेंट कहे कि जी आप पर्चा लिखेंगे तो उसमें मेरा नाम लगा देंगे, तो लोग समझते हैं कि चीटिंग जायज़ है। उन्होंने इस बात के साथ तालीमी निज़ाम को नुकसान पहुँचाया। अगर लोग कहें कि जी ये दो नंबर के जर्नल्स हैं, झूठे जर्नल्स हैं, इनमें पर्चा छाप दें, तो आपने तालीमी निज़ाम को नुकसान पहुँचाया। ये सारी चीज़ें जो है वो लोग पूरे एनवायरनमेंट से वो करते हैं। सो हमने ये सारी चीज़ें, यानी चूंकि उनको तवज्जो नहीं दी, और कुछ लोगों ने ख़ास तौर पर यानी अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इन सब चीज़ों को अंडरमाइंड किया, ठीक है, इनको इन 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 इनकी यानी जो कहते हैं बुनियादों में पानी डाला, तो वो उससे बहुत नुकसान पहुंचा। तो अब हमने कोशिश ये की, जब मैं आया तो हमने कोशिश ये की इस सारे प्रोसेस को रिवर्स किया जाए। लवली लवली, आप सर ले ताकि ठंडा ना हो जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं ये भी देख रहा हूँ कि आमतौर पर होता क्या है कि एक बहुत अच्छा आदमी एक पोजिशन पर आता है और उसके पास नेशन को बदलने का जज्बा भी है, विजन भी है, मगर वो अपॉइंटमेंट ज़ाहिर है पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने करनी होती है। तो होता यह है कि जैसे पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करती है, दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, वो दूसरी गवर्नमेंट, ये जनरल मिजाज की बात कर रहा हूँ, कि वो दूसरी गवर्नमेंट अपना ये मजहबी फरीज़ा समझती है कि उस बंदे को हटा के अपना बंदा वहाँ लगाना है। उसका नुकसान ये होता है कि जो एक विजन पर काम कर रहा होता है आदमी, यह काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए तसलसल चाहिए होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। यार आई डोंट नो, आई थिंक मे बी दैट इज यू नो, उसमें यानी फ्लेक्सिबिलिटी है। देखें, चीज़ ये है कि हमने सिस्टम ऐसे बनाए हैं कि कुछ चीज़ें प्रोटेक्टेड होनी चाहिए और कुछ चीज़ें जो है फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो प्रोटेक्टेड में यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे प्रोफेसर्स को पूरी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर्स जो हैं उनका काम है कि यू नो वो यानी बहुत सिंपल से ये है कि वो झूठ ना बोलें, राइट। अगर कोई ये कहे कि जी गाड़ी जो है वो पानी से चलती है तो वो झूठ बोल रहे हैं, राइट, क्योंकि वो साइंस उनको ये नहीं सिखाती, वो अपनी मशहूरी के लिए कह रहे हैं, और कोई अगर उनसे एग्री करे तो वो झूठ बोल रहे हैं, राइट, क्योंकि वो सियासी वजह। तो हम ये चाहते हैं उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, राइट। और यू नो, और ख़ासतौर पे सोशल साइंसेस के एरिया में अगर कोई कहे कि जी डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, टेररिज्म, करप्शन, क्राइम, इन चीज़ों के बारे में लोग बात करें, या वैसे ही सोशल जो हमारे वो हैं स्ट्रक्चर्स हैं, तो उनका काम यह है कि जी अगर आप ये करेंगे तो ये नतीजा आएगा, इसके लिए आप तैयार हो जाए, जिससे लोग खुद ही ये नतीजा हो। लेकिन अगर वो इसमें भी झूठ बोलना शुरू कर दें तो फिर आपकी सोसाइटी इम्प्रूव नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ी प्रोटेक्शन हम प्रोफेसर्स को देना चाहते हैं, इसलिए उनका टेन्योर भी होना चाहिए। इस वक्त जो है रूल्स ऐसे अजीब गरीब तरीके से बनाए हुए थे कि प्रोफेसर्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं, ठीक है ना, अंदर यू नो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा सिफारिशें चल रही हैं, वो फिर कभी बाहर से सिफारिशें ढूंढते हैं, कभी अदर, क्योंकि उनको पता है सर्वाइवल फेस में पड़े हैं, नहीं उनके साथ इंसाफ नहीं होगा, राइट। तो ये हमें रूल्स को ऐसा बनाना चाहिए कि उनको यू नो प्रोटेक्शन हो कि हमारे साथ इंसाफ होगा, एंड वी शुड गिव देम द स्ट्रेंथ कि जी आप सच बोलें, आपको कुछ नहीं कहा जाए। लेकिन जब ये प्रोटेक्शन आप देते हैं उसके साथ फिर आप उनकी रिक्रूटमेंट पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि यू नो अच्छे लोग अच्छे हैं, लोग हैं, क्योंकि अगर आप वो कमज़ोर लोग आना शुरू हो जाए तो देखें उस लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन हमें चाहिए, परमानेंट प्रोटेक्शन चाहिए, सारी उम्र की प्रोटेक्शन। जब आप ऊपर की सतह पे आते हैं तो वो फिर उसमें फिर यू नो जैसे वाइस चांसलर है या मेरी अपनी पोजिशन है, उसमें हम ये नहीं कहते कि ये परमानेंट हो, राइट, क्योंकि वो हो नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन हम ये कहते हैं एक तरीका है और उसमें उनको पता है कि जी मुझे इतना टाइम मिला, इस टाइम में मैंने काम करना है, अगर मैंने ना किया तो किसी और के हाथ में वो बॉल चली, परफॉर्मेंस बेस्ड काम, तो अगर उसमें भी आप इंटरफेयर करना शुरू कर दें फिर आप डिसरप्ट करते हैं, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को वो करें, रिस्पेक्ट करें, उनको इज्जत दें, तो फिर यू नो वो फिर लोग जो हैं उसको समझ के उसके साथ काम करते हैं। फिर तीसरी चीज़ ये होती है कि टाइम, जितना टाइम चाहिए होता है कुछ करने के लिए वो टाइम मिलना चाहिए। देखिए 3-4 साल काफ़ी टाइम होता है, मेरी पोजीशन जो थी वो 4 साल की थी, 4
ठीक है, मुमकिन है 5 साल होती तो ज़्यादा बेहतर होती, लेकिन 4 साल इज़ गुड एनफ। लेकिन वो यहाँ पे चूँकि एक अननेसेसरी इंटरफेरेंस की वजह से वो 2.5-3 साल के बाद उन्होंने उसको वो कर दिया डिसाइड, तो अब वो सारा काम अधूरा है। और अब पिछले 1 साल से बस वो एक इंटरफेरेंस कॉन्स्टेंटली जा रही है, तो गवर्नमेंट के करीब कोई एक इंसान है, शख्स है जो कि पीछे से इसको पुश कर रहा है, दैट इज़ नॉट गुड। इसकी वजह से जो है फिर डिसरप्शन। इसी तरह आप वाइस चांसलर लगाएं, उनको 4-5 मेरे ख्याल में 5 साल दें, 5 साल में वो अच्छी तरह से प्लान करके अपनी एक लेगेसी छोड़ें। अगर 5 साल के बाद मुमकिन है उनको एक टर्म और भी दे दें, बट उससे ज़्यादा मुनासिब नहीं, ठीक है, दो टर्म्स इज अबाउट मैक्सिमम, तो उनको दें ताकि वो अच्छी तरह से प्लान करके सोचें कि जी हमने क्या करना। लेकिन जब उनका टाइम ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर उनको रिप्लेस कर दें, बट रिप्लेस भी उसी तरह उसी लिहाज से करें कि जी अब हम इनको टच नहीं कर सकते। अगर आप यानी गलत किस्म के लोगों को लगाएंगे तो फिर आप पे भी प्रेशर पड़ेगा, उन पे भी प्रेशर पड़ेगा और आपके इंस्टीट्यूशंस भी खराब होंगे। सो यू नो ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम को अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप तालीम को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप उस्तादों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, और उससे तालीम का निज़ाम ख़राब होगा, अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा ये जो कॉन्स्टेंट डिस्ट्रप्शन है, कभी किसी को हटा दिया, भाई ये क्यों हटा दिया, वो कहते हैं जी वो कोई गलत काम किया, भाई पहले से सोच के लगाओ। बिल्कुल, अपॉइंट गुड पीपल। आपको अच्छे लोग नहीं लगाना चाहते, लगाना आते तो आप कहें कि जी हमें नहीं आता, आप करें, हम अच्छे लोग लगा दें, दैट इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। बट वंस यू अपॉइंट देम, यू ट्रस्ट देम, उनके ऊपर आप वो करें। अच्छा, फिर इंस्टीट्यूशंस बनाई हुई हैं, सिंडिकेट, सेनेट्स, उसमें कॉन्स्टेंटली इंटरफेरेंस होती, कभी वो धड़ाबंदी शुरू हो जाती है, कभी कुछ लोग बाहर से आके उस पर कब्जा कर लेते हैं। हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है कि वो जो उन्होंने ग्रुप्स बना के उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है, नाउ अगेन इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ों को डिस्करेज करें, ऐसी चीज़ें ना हो। और अल्टीमेटली मेरा तो यही भी ख्याल है कि जब हम ज़रा ज़्यादा एक इम्प्रूव्ड सतह पे पहुंच जाएंगे तो गवर्नमेंट का ये सारा इंटरफेरेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। जीरो, देखे ना, आप ज़रा सोचें भाई गवर्नमेंट क्यों वाइस चांसलर को लगाती, वाई शुड द गवर्नमेंट अपॉइंट अ वाइस चांसलर। सारी दुनिया में होता है कि वो यूनिवर्सिटीज़ खुद लगाती जी, तो आप भी उस डायरेक्शन में जाएं। इस वक्त लोगों से जब मैं ये कहता हूँ कि जी यूनिवर्सिटी खुद लगाए अपने वाइस चांसलर, लोग कहते हैं जी इससे फिर वो और पॉलिटिक्स आ जाएगी उसमें एंड ऑल दैट। आई सेड उसको फिर आप क्लीन अप करें, आप सिंडिकेट को देखें इसका स्ट्रक्चर जो है उसको इम्प्रूव करें, सेनेट को देखें उसका स्ट्रक्चर इम्प्रूव करें, ताकि लोग सही तौर से फैसले कर सकें। राइट, एंड देन लेट द यूनिवर्सिटीज मेक द डिसीजन। फिर यहाँ पे प्रोफेसर्स को लगाते हुए लोग बिल्कुल यू नो, एक तो सिफारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन फिर ये है कि उसमें जितनी मेहनत करनी चाहिए टू फाइंड द राइट पर्सन उतनी मेहनत नहीं होती। मतलब मैं अमेरिका में मैं पढ़ा चुका हूँ, वहाँ एक प्रोफेसर को लगा, मतलब उनका जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू भी पूरे दिन का होता है, कई लोगों के साथ वो मिलके वो करते हैं, पब्लिक लेक्चर देते हैं, स्टाफ से मिलते हैं, स्टूडेंट से मिलते हैं, प्रोफेसर से मिलते हैं, यू नो, सबको भी फिर उसके ऊपर एडवाइस देता है, लोग उनके डोसियर्स पढ़ते हैं। मतलब हमारा इतना ज़्यादा टाइम लगता है रिक्रूटमेंट में वहाँ पे, यहाँ पे होता है आधे घंटे में आपने इंटरव्यू किया उसमें फारिग कर दिया। यू डोंट, ये वही बात है कि उस्ताद को इज्जत नहीं मिल रही। मतलब अगर आप वाकई सीरियस हैं तो आप उसको सीरियसली लें और सीरियस तरीके से जो बेस्ट लोग हैं उनको लगाएं। और वो इस तरह नहीं हो सकता कि आपने आधे घंटे या 15 मिनट में इंटरव्यू करके कहा कि अच्छा बस ये बंदा सबसे अच्छा। फिर यहाँ पे ये भी सिस्टम है कि वो अजीब गरीब किस्म के सिस्टम बनाए हुए हैं कि उनको नंबर देते हैं, किसी की सीवी आ जाए उसको नंबर देते हैं। वो नंबर भी अजीब गरीब, एक तो ये इन्होंने अजीब सा वो कर दिया कि जी टोटल नंबर ऑफ पेपर्स के ऊपर नंबर दे दी, उसमें ये नहीं देखा कि पेपर्स की क्वालिटी कैसे है। वो लोगों ने अपने आप को दूसरों के पेपर्स में शामिल किया हुआ है, उस्तादों ने शागिर्दों के पेपर में अपने आप को शामिल किया, एंड दिस इज जस्ट टोटल नॉनसेंस, दैट्स नॉट द वे इट शुड बी। आप उसकी अपनी क्वालिटी को देखें, उनको कहें कि आके लेक्चर दें, अपना बढ़ाएं, हमें समझ आए कि जी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई काम की चीज़ प्रोड्यूस करनी है या नहीं करनी, तो उस बेसिस पे आप वो करें। जब आप उस बेसिस पे करेंगे तो फिर प्रोफेसर्स भी उन चीज़ों पे अमल शुरू कर देंगे। अब तो वो कॉन्स्टेंटली है ना,
मैं अपने 15 पेपर छाप दूँ विदाउट थिंकिंग कि जी ये पेपर्स का कोई मुल्क को फायदा है, हमें फायदा है, नॉलेज को फायदा है, नहीं, बस वो छाप दें कोई इधर क्वांटिटी के ऊपर फोकस, सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर फोकस है। आई मीन वी कम बैक टू क्वालिटी, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत वो है। सो ये जो आपने कहा ना कि जी इसमें इंटरफेरेंस, इसमें हर चीज़ में मुख्तलिफ टाइप का वो शामिल है, और यानी कि कहीं पे 4 साल लगते हैं, कहीं पे 5 साल लगे हैं, कहीं पे सारी उम्र लगती है, डिपेंडिंग ऑन द विजन एंड गोल्स, डिपेंडिंग ऑन द रोल। देखें प्रोफेसर का रोल है कि सच बोलना, राइट, अगर वो नहीं बोल रहे तो आपने उनकी सिलेक्शन गलत की और आपने उनके लिए फ्रेमवर्क ऐसे बनाया कि उनको डिपेंडेंट कर दिया, राइट। वाइस चांसलर का काम है कि वो यूनिवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, प्रोफेसर्स को प्रोटेक्ट करना, तालीम की क्वालिटी को प्रोटेक्ट करना, डिग्री की क्वालिटी को प्रोटेक्ट करना। अगर वो ये नहीं कर रहे, उनका कांस्टेंट काम ये है कि वो गवर्नमेंट से डर रहे हैं, वो किसी यू नो इन्फ्लुएंशियल शख्स है, वो बैट के पीछे से स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है, उससे डर रहे हैं, वो जुर्रत से कोई बात ही नहीं कर सकते, तो दे कांट डू ऑल ऑफ दिस थिंग। ये फिर उनके बस की बात नहीं। उससे हमारे बहुत ज़्यादा ना कल्चरल भी और सोशल प्रॉब्लम्स भी हैं जिसमें से हम गुजर रहे हैं। अगर मैं आपकी सारी गुफ्तगू को समराइज करूँ तो हमें तालीम के जो कंटेंट हैं निसाब के साथ साथ निज़ाम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि निसाब प्रोटेक्ट हो जाए और उसमें क्वालिटी आ जाए। अब मैं ये आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, बहुत टाइम आपका हुआ। जो हमारे स्टूडेंट हैं, देखने वाले हैं, जो अभी तालिब इल्मी के दौर से गुजर रहे हैं, ज़िंदगी में ओवरऑल जितना भी अच्छा मुआशरा हो, परेशानियाँ मुसीबतें पार्ट ऑफ लाइफ है। कभी इंसान को किसी लॉबी से वास्ता पड़ जाता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, हज़ार तरह की मुख्तलिफ मसाइल होते हैं तालीमी दौर के अंदर। आप स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो बजाय कि ब्लेम गेम माइंडसेट में जाएं कि जी हुकूमत का ये कसूर है, यूनिवर्सिटी का ये कसूर है, प्रोफेसर ऐसे हैं, हर चीज़ आइडियल तो नहीं मिलती लाइफ में, तो वो अपने माइंडसेट को कैसे रखें सीधा कि उन सारी परेशानी और मुसीबतों को हैंडल करते करते अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ की एक इंडिविजुअल जिम्मेदारी अडॉप्ट करें और ख़ुद भी मेहनत करके तो मुकाम पे पहुँचे। देखिए आई मीन ये एक उस्ताद का तो काम नहीं, इसीलिए तो पूरा तालीमी निज़ाम। तालीमी निज़ाम का बुनियादी चीज़ ये है कि एक तो ये है कि उस्ताद और शागिर्द के जो ताल्लुक है, दैट इज़ द बेस, दैट्स द फाउंडेशन, और ये हमारे माशरे में भी, हालांकि स्कूल जैसे ऑर्गेनाइज पहले नहीं होते थे, लेकिन ये ज़रूर था कि आप उस्ताद को ढूंढने जाते थे, एक उस्ताद के पास जाते थे तो वो जब आपको पढ़ा देते, कहते हैं आप वो फलां के पास चले जाओ, राइट, तो वो आपको सिखा देंगे। जैसे आपने इब्न अरबी का या मुजद्दद का या मेरे जो वो थे जद्दे अमजद थे, इन सारे लोगों के पास ये होता था कि उनके पास जो पढ़ने आते थे फिर आगे किसी के पास भेज देते थे, यू नो, और ये लोग, तो ये एक बुनियादी उसका वो है। और उसमें हमारा मकसद ये है कि एक तो स्टूडेंट को ऐसे इन्वायरमेंट भी दी जाए जिसमें उनको कई ऐसे लोग मिल जाएँ जिनकी दिलचस्पी स्टूडेंट की कामयाबी में हो, यानी सोबत का एक निज़ाम और सोबत का मैं, हाँ जी सर, सोबत का, मगर ऐसे लोग देखें ना, आप बाज़ार में जाएंगे तो किसी की ये दिलचस्पी नहीं कि आप कामयाब हो जाएं, उनकी दिलचस्पी है कि अगर आपके साथ कुछ मिलके हो सकता है या आपसे कुछ फ़ायदा उठा सकता है, आपसे फ़ायदा। यूनिवर्सिटी में हम ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि आपको ऐसे लोग मिले जिनकी दिलचस्पी आपकी कामयाबी, ठीक है, यानी स्टूडेंट्स की कामयाबी में लोगों का इंटरेस्ट, और सिर्फ एक नहीं हो, यू नो सैकड़ों के हज़ारों के हिसाब से ऐसे लोग मौजूद हों वहाँ पे, और आपको वो एनवायरनमेंट मिल जाए जिसमें लोग आपको इन्वेस्ट, आप में इन्वेस्ट करें। अच्छी यूनिवर्सिटी में यही होता है, प्रोफेसर जो हैं वो स्टूडेंट्स में, स्टूडेंट वो जब स्टूडेंट कामयाब होता है तो वो अपने आप को कामयाब तसव्वुर करते हैं, गर्दानते हैं, तो हमें भी ये इस किस्म की चीज़ वो करनी चाहिए। तो जो अब ये अगर मैं स्टूडेंट से डायरेक्टली मुखातिब हूँ तो उनसे ये कहूँगा कि देखें, आप जब यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें तो आप प्रोफेसर्स की तरफ देखें, आप ये देखें कि मुझे कौन किस किस्म के लोगों की सोहबत मुझे चाहिए। अगर एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें कि रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है, उसमें आपको वैसे प्रोफेसर नहीं मिलेंगे, तो उनसे आप गुरेज करें। जैसी यूनिवर्सिटी में आपको ये समझ आए कि हाँ ऐसे लोग मुझे मिलेंगे जो वाकई मुझ में इन्वेस्ट करेंगे, जिनकी क्वालिटी अच्छी है, जहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आते हैं, जिसमें लोग प्रोटेक्टेड हैं, उनको इतनी वो है
स्पेस है जिसमें कि आपने इन्वेस्ट करें, आप वैसी यूनिवर्सिटियाँ ढूंढें। और यू नो ऑब्वियसली हर कोई तो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा सकता, तो आप ये देखें कि ये सबसे बेहतर है, अगर इसमें नहीं मिलता तो फिर नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट। ये जो झूठी यूनिवर्सिटीज हैं मुफ्त में आपको डिग्री दे देते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। वो आप डिग्री ले भी लेंगे उसका बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि असल चीज़ जो है वो इल्म है, इल्म है, करेक्टर है ना। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ने सबसे बड़ा, और ये HEC का कसूर है, शुरू में जो इन्होंने पॉलिसीज बनाई, यहाँ सबसे बड़ा ये है कि इन्होंने तालीम को डिग्रेड किया है और उसके बजाय सिर्फ डिग्री पे फोकस किया। ठीक है, असल चीज़ डिग्री नहीं है, असल चीज़ तालीम है। हाँ, लवली। और जिसके पास इल्म आ जाए उनके अंदर कॉन्फिडेंस होगी, वो अपने ऊपर इन्हिसार करेंगे और वो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। जिसके पास तालीम नहीं होगी वो एक कागज़ का टुकड़ा लेके फिरेंगे, ये किसी की मर्जी आप पे मेहरबानी कर दे या ना मेहरबानी करे उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो स्टूडेंट से ये फोकस, तालीम पे फोकस करो, फोकस करें, डिग्री खुद ही आ जाएगी, असल चीज़ तालीम है, उस पर फोकस करें। और ये मेरे ख्याल में ये जो आपका खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ना डिग्री और तालीम के दरमियान कंपैरिजन, इसके अंदर मुझे मुजद्दद अलिफ सानी की नस्बत का असर नज़र आया। वरना बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो आजकल तो चूँकि ग्रेडिंग का और रेटिंग का दौर है, तो उसमें कैरेक्टर का जो है ना एलिमेंट वो लोग पीछे रख देते हैं। तो तालीम मेरे ख्याल में वो इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर देती है जिसमें लोग फ्लॉरिश करें, उस्ताद का और शागिर्द का जो रिश्ता है। तो एनीवे थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत सर शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड आई एम श्योर के जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया होगा। मुख्तसर सी जामे गुफ्तगू फरमाई है आपने, बट इसमें आप यूँ कह लीजिए समझने वालों के लिए और सीखने वालों के लिए बहुत कुछ है। तो मैंने तो बहुत कुछ सीखा सर, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह फिर किसी वक्त मैं दोबारा आपको ज़हमत दूंगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।